आ गए आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे प्लगइन्स देने वाला हूँ जो आप लोगों ने मुझसे मांगे थे। एंड आप लोगों को मैं 110% श्योर होकर कह रहा हूँ कि उन सारे प्लगइन्स को लेने के बाद आपका सर्वर एक पेड सर्वर से भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एंड कुछ कुछ प्लगइन्स तो ऐसे होंगे जो कि रियली में ऑसम होने वाले हैं, जो कि आप लोगों का दिल खुश कर देंगे। तो चलो यार, वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं, बिकॉज ये वीडियो ऑब्वियसली बहुत लंबी होने वाली है। ओके गाइस, सर्वर में आने के बाद आपको पहला प्लगइन ही रजिस्टर का मिल जाएगा। आपको इसमें आने के बाद स्लैश रजिस्टर, देन आपको अपना कुछ भी इस तरीके से पासवर्ड डाल लेना तो आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। आखिर आप लोग को ये सारे प्लगइन्स मिलेंगे कहाँ? तो इसका आंसर है डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएंगे, लेकिन जिप की फॉर्म में मिलेंगे, आपको उन्हें अनअचीव कर देना है। गाइस आप लोग देख सकते हो, क्रिएटिव रिएटिव सब का प्लगइन आपको मिल जाएगा। आप लोगों को मतलब किसी भी चीज़ का प्लगइन एक्सटर्नल बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको डिस्क्रिप्शन में 4 या फिर 5 प्लगइन्स का लिंक मिलेगा, चारों पांचों को डाउनलोड करके अपने सर्वर में अपलोड कर देना है एंड उन्हें अनअचीव कर देना है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, इसके बाद मैं आप लोगों को पूरा प्लगइन्स दिखा दूँ। देख सकते हो गाइस, इतने सारे प्लगइन्स होने वाले हैं एंड कमांड्स तो कितने होने वाले हैं पूछो ही मत। ओके गाइस, तो अब चलो मैं आप लोगों को पहला प्लगइन दिखाता हूँ जो है सीट का। हाँ, देख सकते हो आप लोग इस तरीके से बैठ सकते हो, कुछ इस टाइप का प्लगइन है। और ना सिर्फ ऐसे बैठने वाला यार, इसमें एक दूसरे भी बैठने का तरीका है। चलो मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। इसके लिए आप लोगों को जरूरत पड़ेगी ये स्टेयर की। आपको ये स्टेयर कुछ इस तरीके से प्लेस कर देना है एंड इस पर एक बार क्लिक कर देना है। हाँ, आप लोग देख सकते हो, आप लोग इस तरीके से बैठ जाओगे एंड जो कि रियलिटी में ऑसम लगता है दिखने में। एंड चलो गाइस, इसके बाद आपको लेके चलता हूँ अपने सेकंड प्लगइन की ओर। एंड सेकंड प्लगइन जो होने वाला है, पहले मैं आप लोगों को दिखाई दूँ, मेरे को याद नहीं रहता यार क्या करूँ। ओके, तो अपना सेकंड जो प्लगइन है वो है कुछ साइन बोर्ड से रिलेटेड। तो आपको साइन बोर्ड आपको इस तरीके से लेके इधर प्लेस कर देना है एंड इसके बाद आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड लिखना है। ओके सॉरी, मैंने स्लैश रख दिया। ओ बड़ा लिखना है, NLINE देन RECORD, ओ एंड आर बड़ा होना चाहिए। ओके गाइस, ऐसे करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का साइन बोर्ड दिखने को मिल जाएगा जो कि आप लोगों को बहुत सर्वरों में देखने को मिलता है। तो चलो अब मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट प्लगइन दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट प्लगइन के लिए आप लोगों को स्लैश गिव मनी एंड देन अपना या फिर किसी भी प्लेयर का नाम लिख देना है। तो चलो मैं आप लोगों को पूरा ही नाम लिख के दिखाता हूँ, वैसे हाफ नाम भी लिखोगे तब भी चलता है। ओके, तो मैंने लिख दिया स्लैश गिव मनी PA एंड जितना मनी देना चाहो उतना, पता नहीं कितना मनी है लेकिन मैंने खुद को दे दिया है। इसके बाद आप लोगों को देख सकते हो इस तरीके से एक साइनबोर्ड बिछाना है एंड इस पर लिख देना है शॉप, देन नीचे अमाउंट लिख देना कि आपको कोई चीज़ कितनी देनी है। इसके बाद वो चीज़ लिखना है जो आपको देना है, जैसे डायमंड। एंड इसके बाद दोबारा से नीचे ले जाके आप लोगों को पैसे लिख देना है कितने रुपए में देने वाले हो। एंड आप लोगों का शॉप बन के तैयार है, आपको एक बार नहीं 2 बार क्लिक करना है इस पर, तब आपको सारा सामान मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आपको इस गेम मोड में नहीं मिलेगा, आपको सर्वाइवल में आना है एंड डबल क्लिक कर देना है। आप लोग देख सकते हो, आप लोग को अनलिमिटेड सामान मिलता रहेगा, मतलब जितना आप पे पैसा है उतना ही मिलेगा, पैसों से आजकल सब कुछ होता है। ओके गाइस, इसके बाद यहाँ आने वाले आप लोग स्लैश CC का नेक्स्ट प्लगइन देखने को मिल जाएगा, इसका मतलब है क्लियर चार्ट। ओके गाइस, एंड इसके बाद मैं क्रिएटिव में आ जाता हूँ। CC का मतलब होता है आपका पूरा क्लियर चार्ट हो जाएगा, मतलब ऊपर जितना भी कुछ लिखा है सब कुछ गायब हो जाएगा, ना सिर्फ आपसे बल्कि सबके ही आइटम से, मतलब सबके ही चार्ट से। इसके बाद आने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट प्लगइन दिखाता हूँ जो कि है स्लैश मैरी। स्लैश मैरी मतलब ये कुछ मैरी टाइप का लिखा आने लग जाएगा, ये भी 24 माइंड से है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा स्लैश मैरी एंड देन आप लोगों को किसी भी प्लेयर का नाम लिख देना है। फिलहाल मैं स्लैश मैरी एंड देन होम करके देखता हूँ, शायद से वर्क कर जाए तो ठीक है। ओके, सो ये वर्क नहीं किया बिकॉज अभी फिलहाल मेरा कोई होम ऑन्ड नहीं है, या फिर कोई प्लेयर होगा तो स्लैश मैरी देन उन प्लेयर का नाम लिखोगे ना तो आपके नाम के ऊपर मैरी कुछ लिखा आने लग जाएगा। सो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट प्लगइन की ओर आ गए, जो कि है निकनेम का प्लगइन। इसके बाद आप अपने आपको कोई भी निकनेम दे सकते हो, फिर चाहे वो कलरफुल नाम हो या कैसे भी। रुको, मैं आप लोगों को कलरफुल नाम देकर ही दिखाता हूँ। जैसे मैं अपना ब्लू कलर में या फिर सियान कलर में लिखता हूँ अपना नाम, फिलहाल मुझे ये चीज़ की जरूरत पड़ेगी एलिमेंट के, देना मेरे को 20 लिखना है जिससे कि मुझे सियान कलर मिलेगा। एंड आप लोग देख सकते हो, मैंने अपने आप को नाम दे चुका है। अगर मैं हेलो लिखता हूँ तो मेरा कुछ इस तरीके से नाम लिखा आएगा। क्या आप लोगों ने भी ये सर्वर में बहुत लोगों को देखा है? तो ये इसी की वजह से होता है। एंड देन अब जो हमारा नेक्स्ट प्लगइन है वो एंजल का। स्लैश एंजल डालने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का चीज़ देखने को मिलेगा। एंड आई नो आप लोगों ने ये भी बहुत कम ही सर्वर में देखा होगा, लेकिन सही लगता है यार ये भी दिखने में। एंड इसी के बाद जो हमारा थर्ड प्लगइन है ना, पहले रुको मैं इस चीज़ को ऑफ कर दूँ बिकॉज ये चीज़ थोड़ा सा लैग कर देता है सर्वर को। एंड हाँ, लैग फिक्स का भी एक प्लगइन मैंने आप लोगों को दे चुका है इस सर्वर में, लेकिन तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा ना। आप लोगों को इसको क्लोज करना है तो स्लैश एंजल दोबारा डाल देना है।
ओके गाइस, तो एक काम करता हूं, मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूं। नेक्स्ट जो हमारा है प्लगइन वो है स्लैश CFA ऑन का। CFA मतलब कलरफुल आर्मर। एंड देन आप लोगों को कुछ इस तरीके की चीज़ देखने को मिलेगी। एंड ये आप लोगों ने बहुत सर्वर के ऑनर्स के पास देखा होगा, तो हाँ ये यही प्लगइन की वजह से होता है। एंड आप लोग इस तरीके का कुछ देख सकते हो। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, आप लोगों को रोकना है, तो आपको स्लैश CFA ऑफ लिख देना है, देन आपका ये रुक जाएगा। एंड अगर आप लोग इस चीज़ को फाइन परमानेंटली अपने बॉडी से हटाना चाहते हो, तो सिंपल है यार, अपना इन्वेंट्री खोलो एंड देन अपना सिंपली आर्मर उतार दो, एंड देन दैट्स इट, रिमूव हो चुका है। ओके गाइस, इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट प्लगइन दिखाता हूँ, जो है स्लैश हब का। जी हाँ, स्लैश सेट हब करने के बाद स्लैश हब करने पे आप इस तरीके से घर पे पहुँच जाओगे। ये कुछ इस तरीके का प्लगइन है। सॉरी यार, पूरा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था ये चीज़ का, बट हाँ ये प्लगइन कुछ इसी तरीके का है। नेक्स्ट प्लगइन है हमारा स्लाइम जंप का। आप लोगों को कुछ इस तरीके से इसमें स्लाइम प्लेस करना है, एंड देन इस स्लाइम को प्लेस करने के बाद सैंड स्टोन स्टेयर को कुछ इस तरीके से रखना है। देन आप लोग जैसे ही स्लाइम के ऊपर पहुंचोगे, जी हाँ, इस तरीके से ऑटोमेटिकली जंप करने लग जाओगे। रुको, मैं आप लोगों को एक बार दोबारा दिखाता हूँ। आप लोगों को देख सकते हो, मैं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, अपने आप ही मैं यहाँ पर जंप कर गया बिकॉज ऑफ इस जंप की वजह से। एंड आई नो आप लोगों को ये चीज़ कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी होगी, लेकिन लास्ट वाली चीज़ आप लोगों को तो रियलिटी में खुश कर देगी। एंड देन आप लोग देख सकते हो, ये कुछ इसी तरीके का था। देन इसके बाद स्लैश वैनिश, ये कर देने के बाद आपका सर्वर का लैग जो है ना बहुत हद तक कम हो जाएगा। हाँ, ये लैग फिक्स का प्लगइन है, जो आप लोगों को इन सभी में से एक प्लगइन है। एंड या ये सर्वर को बिल्कुल ही लैग फ्री रखता है, ताकि आप लोगों का सर्वर ज़्यादा लैग ना हो। एंड देन चलो मैं इसे फिलहाल तोड़ देता हूँ, वरना इसी में मैं जंप करता रहूँगा। ओके गाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट प्लगइन है वो है स्लैश MW यानी मैनी वर्ल्ड्स का। इसके बाद आपको इसके स्लैश MW हेल्प लिख देना है, आपको सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे। ओके गाइस, मतलब कमांड्स मिल जाएंगे स्लैश MW यानी मैनी वर्ल्ड के। ओके गाइस, सो इसका यूज़ तो आप लोगों को पता ही होगा क्या है, वर्ल्ड ऐड करने में। एंड गाइस चलो, फाइनली एंड वाले पे हम लोग आ चुके हैं, जो है वॉन्ड का प्लगइन। इसके लिए आपको स्लैश वॉन्ड करना है, एक एक्स लेके, वुडन एक्स लेके, देन आपका वॉन्ड ऑन हो चुका है। इसके बाद आप लोगों को वॉन्ड का मैं यूज़ बताता हूँ क्या है। फिलहाल मैं एक प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ, जहाँ से मैं कुछ इसका यूज़ करूँगा। ओके, तो फिलहाल मैं इसे थोड़ा सा और पिलर की तरह ऊँचा उठा लेता हूँ, एंड इतना काफ़ी है। ओके गाइस, मैंने एक जगह सेलेक्ट कर ली, एंड यहाँ से मैंने यहाँ तक जगह भी सेलेक्ट कर ली। इसके बाद आपको स्लैश सेट स्टोन या फिर किसी भी ब्लॉक कर देना है। एंड आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से भर जाएगा, बट मैंने जगह तो कोई और चूज़ की थी, इसने भरा यहाँ से यहाँ तक क्यों है मेरे को समझ नहीं आ रहा। गाइस मुझे इसका प्रॉपर यूज़ नहीं आता, अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग कर लेना। जैसे कि मैंने देखो यहाँ से यहाँ जगह सेट किया एंड स्लैश सेट स्टोन किया, तो देख सकते हो कि कहीं और ही से भर रहा है। लेकिन फिलहाल मान लो आपका गलत हो गया, आपको ये नहीं भरना था, तो इसके लिए आपको स्लैश अंडू कर देना है। गाइस आप लोग देख सकते हो, जैसे आप ये करोगे आपको ये पूरा कुछ रिमूव हो जाएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अभी तक प्लगइन्स इतने ज़्यादा है कि मैं सबकी वीडियो बनाने बैठ गया तो एक घंटे से भी ज़्यादा की वीडियो बन जाएगी, एंड इतना स्टोरेज है नहीं मेरे मोबाइल में। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अपने किसी नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू फ्रेंड्स।